चमचा जो गिरी करते हैं लोग, उनका एम नहीं होता, उनका केवल एक एम ये होता है कि अपने जीभ से अपने बॉस के तलवे चाट चाट कर उसको साफ कर दें। यदि आप चमचा खोर हैं, यदि आपको बुरा लग रहा है तो आपको लगना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य केवल चमचागिरी में ही है। नेक्स्ट, प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे होंगे, जिसमें न किसी से लेना और न किसी को देने वाला कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे। न किसी से लेना और न किसी से देने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप भाई दुनियादारी नहीं जी रहे होंगे। मेरे बस कहने का मतलब ये है कि जो भी एथिकली मोरली जो चीजें सही है वो आप लोग कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये है, और केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जियो ऐसे कि आपको खुद को अच्छा लगे, ये कहना चाहता हूं। आज से 2 या 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी चमचागिरी, और आपको जान करके ताजुब होगा। ऑल दो आई जनरली मेक अ वीडियो ऑफ ऑल दो एजुकेशनल बातें बताता हूं, मतलब बच्चों को पढ़ाता हूं, उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो लोगों ने उसको कम देखा है, बच्चों ने उसको कम देखा है। लेकिन जो सबसे अभी तक मेरे YouTube चैनल पे जो सबसे ज्यादा वीडियो देखी गई है, दैट इज चमचागिरी। आज हम जो देख रहे हैं ये चमचागिरी पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि भाई हम समाज में रहते हैं और लोगों को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो उसी ऑब्जर्वेशन से कुछ एक ऐसी कॉमन चीजें हैं जो चमचों में खास पाई जाती है। आज हम फिर से चमचों की धुलाई करने के लिए आ गए हैं, तो ध्यान से सुनिए, और यदि आप एक चमचे हैं तो भी सतर्कता से सुनिए, यदि आप चमचागिरी करवाते हैं तो भी सतर्कता से सुनिए, क्योंकि दोनों ही केस में दोनों को ही नुकसान हो रहा है। बताइए कैसे, आगे की वीडियो देखते रहिए, आप अंत तक जरूर देखिए, चमचों की हर एक बात को आपको बताएंगे। चमचे जो होते हैं वो किसी के नहीं होते, पहली बात ये है। सबसे पहली बात ये है कि दे डू नॉट हैव एनी एम इन लाइफ। जो लोग चमचागिरी करते हैं ना, उनके जिंदगी में कोई भी मकसद नहीं होता, उनकी जिंदगी का केवल एक ही मकसद होता है, अपने बॉस के तलवे चाटना। अगर बॉस ने कह दिया कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, तो उनको अपनी बुद्धि नहीं लगानी होती है, ना कोई तर्क ना कोई कुतर्क, कुछ भी पेश नहीं करना होता है, उनको केवल अपने बॉस के तलवे चाटने होते हैं। हम सब काम करते हैं, कोई ना कोई हमारा बॉस होता है, कोई ना कोई हमारा सुपीरियर होता है, लेकिन चमचागिरी और एक जॉब और एक अपना प्रोफेशन में काम करना, दोनों चीजों में अंतर है। इफ समथिंग इज रॉन्ग, यदि कोई चीज गलत हो रहा है तो हम अगर बात बता रहे हैं तो वो चमचागिरी की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन हमें मालूम है कि ये बिल्कुल ही गलत है और फिर भी हम उस चीज में हामी हामी भरते जा रहे हैं, तो ये चमचागिरी की कैटेगरी में आ रहा है। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो एक दिन आपको जरूर नुकसान होने वाला है। और कहा भी जाता है कि चमचा जिस बर्तन में रहता है ना, उस बर्तन को ही खाली कर देता है। तो यदि आप चमचागिरी करवाते हैं तो सतर्क होकर रहिए, ये जरूर आपको एक दिन नुकसान पहुंचाएगा। और यदि आप चमचागिरी कर रहे हैं तो भी आप सतर्क होकर रहिए, क्योंकि ये जो चमचागिरी है ना, केवल तब तक ही चलेगी जब तक जिसके आपने तलवे चाटने की आदत पकड़ रखी है केवल वही है। जिस दिन जूता चेंज हो गया, जूता चेंज होने का मतलब जिस दिन बॉस चेंज हो गया, उस दिन ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, क्योंकि आपने इस दौरान कुछ भी सीखा नहीं। यू नेवर डेवलप एनी न्यू स्किल, कोई चीज आपने नई सीखी नहीं, कोई चीज आपने किया नहीं, आपने तो केवल एक ही काम किया है, चमचागिरी चमचागिरी चमचागिरी। और बॉस हट जाएगा तो नया काम आएगा, तो वो आप कैसे कर पाएंगे? यू विल नॉट फिट इन दैट, वो जो काम करवाना चाहेगा आप फिट नहीं हो पाएंगे, तो वो आपको मार के भगा देगा। जिस जूते को चाटते थे, हो सकता है वो जूते आप पे पड़ भी जाएं। तो कभी भी चमचागिरी तो मत कीजिए, आप अपने काम से प्यार कीजिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग योर वर्क और ये चमचागिरी। आप यदि अपने काम से प्यार करते हैं तो आपको किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम वी शुड लव आवर कंपनी और वी शुड लव आवर जॉब। यू मस्ट लव योर जॉब। आपको केवल और केवल अपने काम से प्यार करना चाहिए, क्योंकि यदि आप काम जानते हैं, आप काम के स्किल्स जानते हैं, तो ये देखो कुत्ता भौंक रहा है,
मैं बना रहा हूँ वीडियो चमचागिरी वाला और उधर से कुत्ता भोंक रहा है, तो कहने का मतलब यदि आप काम करेंगे तो कुत्ते भोंकते रहेंगे। तो मैं आई वॉज टेलिंग यू डेट वी मस्ट लव आर जॉब, वी मस्ट लव आर प्रोफेशन। हमें कंपनी से क्या मतलब है, कंपनी को अगर जरूरत पड़ेगी तो रखेगी, कल को नहीं रखेगी। लेकिन यदि आप काम जानते हैं, यदि आपके अंदर कोई गुण है, यदि आपके अंदर कोई स्किल है, तो आप कहीं पे भी जाके काम कर लेंगे, अपनी रोजी रोटी चला लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लविंग योर व्हाट वर्क, जो आप काम करते हैं, जो सीखते हैं, जो आपको दिया गया है, उसको आप ईमानदारी से कीजिए। अपने बॉस को खुश करने में अपना समय ना जाया कीजिए। तो चमचा जो गिरी करते हैं लोग, उनका एम नहीं होता, उनका केवल एक एम ये होता है कि अपने जीभ से अपने बॉस के तलवे चाट चाट कर उसको साफ कर दें। यदि आप चमचा खोर हैं, यदि आपको बुरा लग रहा है, तो आपको लगना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य केवल चमचागिरी में ही है। नेक्स्ट इज अननेसेसरी टॉक, अनावश्यक बातें करेंगे। अरे भाई, अब आदमी आदमी की कितनी प्रशंसा करेगा, आप ऐसे लग रहे हैं, आप वैसे लग रहे हैं, भाई कैसे लग रहे हैं। हर दिन आदमी अच्छा लगता है तो हर दिन आप बोलोगे, कभी कभार हो गया। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं, अनावश्यक ही मतलब सामने वाले की प्रशंसा करेंगे, अनावश्यक। एक होता है जेन्युइन प्रशंसा करना, जेन्युइन प्रेज करना, और एक होता है अनावश्यक। तो आप अगर समझदार होंगे तो आप खुद ही पहचान लेंगे कि अनावश्यक प्रशंसा कर रहा है कि जेन्युइन प्रशंसा कर रहा है, तेल लगा रहा है, मक्खन लगा रहा है, कि सही में कोई बात कर रहा है। तो इस प्रकार के लोग अगर इधर उधर आपके घूमते हों तो सतर्क होकर रहिए। और यदि आप कर्मठ हैं, कर्मशील व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं, तो सामने से ही मना आप कर देंगे कि भाई ये सब मुझे पसंद नहीं है, आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। चमचाखोर लोग जो होते हैं ना, वो मौका परस्त होते हैं। यदि उनको लग गया, अभी आपके तलवे चाट रहे थे, अगर उनको मालूम चल गया कि भाई इनके तलवे चाटने से तो अब कुछ नहीं होने वाला, ऊपर वाले के तलवे चाटने पड़ेंगे, चाहे दूसरा बंदा आ गया, उसकी खुशामदीद करूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, तो वो अपना जो काम होता है दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, ये गधे को भी क्या बना सकते हैं, बाप बना सकते हैं। मौका परस्त ये लोग होते हैं। तो क्यों ऐसे लोगों के मुंह लगना, क्यों ऐसे लोगों को अपने टीम में रखना? तो कभी भी अपने टीम में जो रखना है, धाकड़ बंदे रखना चाहिए, जो केवल और केवल किससे प्यार करे, अपने काम से प्यार करे। यदि आपने कोई टीम बनाई, फॉर एग्जाम्पल यू मेड अ टीम ऑफ 10 पीपल, और वो 10 के 10 लोग खाली आपको रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग इन द सेंस व्हाट, रिपोर्टिंग इन द सेंस कि सर आज वो ये कर रहा था, सर आज वो यहां कॉफी पी रहा था, सर मैंने आप उसको वहां पे देखा, मैम हमने इसको ऐसे देखा, ये केवल रिपोर्टिंग करते हैं तो काम नहीं करते होंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि मैंने तो इनको सेट कर लिया, अनावश्यक कामों में इनको उलझाए रखूंगा और जो काम होगा मुझे करना नहीं पड़ेगा। तो इधर की उधर लगाते रहते हैं। और यदि आपके टीम में ऐसे 10 चमचाखोर अगर आपने पाल रखा है, तो बी रेडी, आप तैयार रहिए, जल्दी ही ये आपको भी लेके डूबेंगे और आपकी कंपनी को भी लेके डूबेंगे। तो अपनी टीम में हमेशा धाकड़ बंदे रखिए। यदि मान लीजिए सामने वाले को कुछ नहीं आता है, तो उसको स्पष्ट उसके मुंह पे बता दीजिए, प्रेम से समझा दीजिए कि भाई ऐसे काम करना है, इस तरीके से करना है, तब जाके बढ़िया टीम बनेगी, तब जाके आपका प्रोग्रेस ऊपर को जाएगा। लेकिन आपने सारे ही ऐसे पकड़ रखे हैं कि सब खाली आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा है, तो सतर्क हो जाइए, आपकी नैया ऐसी जगह डूबोएंगे कि बस डूब ही जाएंगे आप। तो ये लोग बहुत ही हरामखोर किस्म के होते हैं। वैसे जनरली मैं शब्दों का, कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बट दे डिजर्व कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग हैं, तो उसमें से 5 लोग ऐसे हरामखोर होते हैं, ऐसे चमचाखोर होते हैं कि इन बेचारे 45 की दिन भर वॉट लगाए रहते हैं, दिन भर परेशान किए रहते हैं। तो दे डिजर्व, और ये गधे को भी बाप बना सकते हैं। तो इनका कोई बाप फिक्स नहीं होता, चेंज करते रहते हैं अपने मतलब के अनुसार। तो यदि आप एक चमचाखोर हैं, यदि आपको बुरा लग रहा है तो लगना चाहिए। नेक्स्ट, सेटिंग और जी हजूरी। सेटिंग इन द सेंस, ये सेट करके रखते हैं बंदे को, जिस बंदे से काम रहेगा उसको मतलब हाँ जी साहब करेंगे, और जिस बंदे से काम नहीं रहेगा वो सामने से वो नमस्ते करेगा लेकिन ये कोई जवाब नहीं देंगे। तो इन सब कला में ये बहुत माहिर होते हैं, तो इनसे बच के रहिएगा। यदि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, यदि आप कहीं काम करते हैं, तो बच के रहिए। दूसरी चीज, अब भाई समाज में अगर ऐसे चमचे हैं तो इनसे बचने का उपाय भी तो बता दो प्रेम जी।
तो इनसे बचने का उपाय यही है कि यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, आप केवल अपने काम पे फोकस कीजिए, आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये चमचाखोर बॉस को जा के आपके प्रति भड़काएंगे, उकसाएंगे, तो आपका काम तो बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, आप अपना काम करते रहिए ना। आई टोल्ड यू जस्ट टू लव योर वर्क नॉट द कंपनी। आप केवल अपने काम से प्यार कीजिए। यदि आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आप खुद ही अपनी कंपनी को ऊपर ले जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो इस प्रकार के लोगों से बचने का केवल एक ही माध्यम है, नेवर इंडल्ज इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। यदि वो किसी दूसरे की बुराई आपके सामने गाते हैं तो आप ये कह दीजिए मुझे ये सब पसंद नहीं है और मेरे से ये सब मत कहा कर। मैं हमेशा ही किसी भी बंदे को यही बताता हूँ, यदि मुझसे कोई दूसरे की बुराई गाता है मेरे सामने तो मैं यही कहता हूँ कि अब उसके विषय में मैं क्या जानू, मैं कैसे बता सकता हूँ। मैंने ये टाइम लोग कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग इसको भी इंडल्ज करें, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि मैं केवल एक चीज जानता हूँ, यदि मुझे बेहतर बनना है तो मुझे अपने आप पे फोकस करना होगा। मैं दूसरे के बारे में जान के क्या करूंगा कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे करता है, वो कैसा, इन सब से मुझे क्या मतलब है। मुझे अपने रास्ते पे चलना है, मुझे खुद को आगे बढ़ना है तो मुझे खुद पे फोकस करना पड़ेगा ना। और ध्यान रखिएगा, बॉस के साथ सेटिंग 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो सकती है, इसके बाद बाकी की जिंदगी आपको अपने दम पे जीना पड़ेगा। और अपने दम पे जब जिंदगी जीना होता है तो अपने अंदर दम भी होना चाहिए। दूसरों के दम पे जो फुदकते हैं वो खाली फुदकते हैं, जब वो दे आर जस्ट लाइक, मतलब वहां से सोर्स ऑफ एनर्जी आ रही है इसलिए फुदक रहे हैं। तो दूसरों के सोर्स ऑफ एनर्जी पे काम मत कीजिए, यू जस्ट बिकम अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यू जस्ट बिकम अ सोर्स ऑफ मीन्स एक ऐसा सोर्स होना चाहिए। ऐसे डेवलप कीजिए अपने अंदर स्किल्स, ऐसे ऐसे काम सीखिए कि दूसरा कोई ना जानता हो। लेकिन ये वाला काम मत सीखिए कि दूसरों की लेग खिंचाई करे, लेग पुलिंग करे, दूसरों को बुरा बना के खुद को बेहतर बनाए। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और वहां पे मेरे बॉस ने कहा था कि यदि प्रेम तुझे आगे बढ़ना है तो दूसरों के पेट पे लात रख के आगे बढ़ना पड़ा था। मैंने उस समय, आज से 10 साल 15 साल पहले की बात है, उस समय मैंने बिना सोचे समझे ये कहा था कि सर यदि मुझे आगे बढ़ना है ना तो मैं अपने दम पर आगे बढ़ूंगा, किसी के पेट पर लात रखकर आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये बात सत्य है, किसी का नाम उजागर करना अच्छा नहीं होता। लोग देखते होंगे मुझे और लोग पर्सनली मुझे कहते भी हैं कि व्हाट एवर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप अपनी मर्जी का जिंदगी जीते हैं। और अपनी मर्जी का जिंदगी में भी ये है कि भाई हम किसी की लेग पुलिंग नहीं करते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम जो भी कहते हैं बिकॉज मुझे 1000 बच्चे देखते हैं और 1000 बच्चों को मुझे सिखाना होता है। और मैं अपने बच्चों को यही सिखाता हूं कि बच्चों अभी आप मेहनत करके पढ़ लीजिए, अभी आप सीख लीजिए, अभी आप अपने अंदर कूट कूट के स्किल्स भर लीजिए, अपने अंदर कूट कूट के टैलेंट भर लीजिए, क्योंकि आने आज से 5 साल बाद केवल टैलेंट की पूजा होगी, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा मार्क्स की पूजा नहीं होगी। आप किस फैमिली से आते हैं कोई नहीं पूछने वाला, कौन सिफारिश लगा रहा है कोई नहीं पूछने वाला, केवल और केवल आपको आपके स्किल्स के दम पर, चाहे वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, चाहे बिहेवियर स्किल्स हो गए, चाहे आप जिस काम को के लिए हायर किए जा रहे हैं वो वाले स्किल सेट हो गए, वो मैच करेगा तभी आपको कंपनी लेगी। किसी के सिफारिश से, किसी के चमचागिरी से, किसी के जी हजूरी से नौकरी नहीं लगती, नौकरी लगती है अपने दम पर। तो अपने आप को दमदार बनाने के लिए मेहनत कीजिए, कभी भी किसी की बटरिंग मत कीजिए, किसी की जी हजूरी मत कीजिए, किसी के आगे पीछे मत डोलिए। मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूं कि कभी भी किसी के आगे पीछे, किसी की जी हजूरी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें नहीं चलानी चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप दमदार बनिए, अपने बच्चों को दमदार बनाइए, उन्हें बिहेवियर स्किल समझाइए, उन्हें स्किल्स सिखाइए, उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए और उन्हें बताइए कि जिंदगी अपने दम पर जीना, दूसरों के दम पर कभी भी कुछ मत बोलना, अपने अंदर स्किल्स भरो, दूसरों के कहने पर कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है। आप खुद एनालाइज कीजिए, खुद सोचिए, खुद समझिए, तब जाके कोई भी डिसीजन लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आज की वीडियो पार्ट नंबर 2 चमचागिरी आपको समझ में आई होगी। और जो चमचाखोरों की जो मैंने बात बताई है, ये समाज में ऐसे ही विचरण करते रहते हैं,
ये अपना तो नुकसान एक दिन करवाएंगे ही, लेकिन इनके जिंदगी में कोई एम नहीं होता, इसलिए ये इस प्रकार की गिरी हरकतें करते हैं। तो इनसे बच के रहिए और केवल आप अपना काम करते रहिए, भगवान आपका भला करे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि पिछले जो पार्ट नंबर 1 चमचागिरी थी उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है, 450 के करीब लोगों ने उसको देख लिया है, और मेरे जो YouTube चैनल पर सबसे ज्यादा लोगों ने उसको प्यार दिया है, 450 वॉच टाइम आवर्स है, 450 घंटे, मतलब मोर देन 50% लोगों ने यही देखा है। तो कहने का मतलब यह है कि उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया है। इसमें भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और बताते रहिएगा कि मुझे किस प्रकार के टॉपिक पे वीडियो बनाना है, क्योंकि लोगों को जगाने आया हूं, और जो बात नियम नियति एथिकल और मोरली सही होगा केवल वही अपने बच्चों को सिखाऊंगा, सो डेट की मेरे बच्चे मजबूत बने, किसी की चमचागिरी ना करें। धन्यवाद।